नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे करंट एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 के बारे में। तो इसमें हम लोग एक चैप्टर आपका खत्म कर चुके हैं। क्या है? एक चैप्टर आपका खत्म कर चुके हैं। कौन सा था वो चैप्टर? तो याद रखिए वो था आपका भारतीय संविधान के बारे में। आज बात करेंगे हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में, धर्म निरपेक्षता की समझ। याद रखिए, अगर आप लोग एक कहानी का रूप देकर इन बुक्स को पढ़ते हैं तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है? और ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा जो आप समझ ना सकें, तो अच्छे से पढ़िए। बस कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां इस ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता है, आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमान की तादाद ज्यादा है, वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए, यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्म निरपेक्षता का मूल मंत्र है और इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण में मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के ऊपर किस तरह के अत्याचार किए। वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, ना ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। इन सभी उदाहरण में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या फिर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है, ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं धर्म निरपेक्षता क्या है आखिर। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था, अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने का इसी अवधारणा को धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्षता।
धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है आखिर, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पीछे चर्चा की गई है, धर्म निरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अब अगर बहु मत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जबरदस्ती हो सकती है, यहां तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज की किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। बात करते हैं लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या फिर धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय से कि दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता का नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि अक्सर सुनते हैं कि वहां हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, तो वहां भेदभाव होता है इस तरह का। लेकिन अपने इंडिया में देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि इंडिया से बेहतर कोई अल्पसंख्या किसी और देश में रहता हो। यहाँ तो सब तरह की सुविधा मिली हुई है सबको। बात करते हैं भारतीय धर्म निरपेक्षता आखिर है क्या। ये आपका मंदिर हो गया, ये मस्जिद हो गई, सॉरी ये मंदिर, गुरुद्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्म निरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्म निरपेक्ष राज्य अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, कुछ लोग अपने ही घर के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही यह राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी संस्थाएं, सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देना या फिर उनका उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। बात करते हैं शास, ये कुछ चित्र दिए गए ने भी देखते थे। राजकीय माध्यमिक विद्यालय,
सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाते हैं। सर, अगले महीने एक बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में यह त्यौहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएं? नहीं, मास्टर क्या बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को मत नहीं दे सकते, निजी स्कूल जो चाहे करें, सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते हैं। वैसे भी ज्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं था, मुझे लगता है स्कूल से बाहर हम कुछ भी यह त्योहार मना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्योहार का आयोजन कर ही रहे हैं। उपयुक्त चित्र कथा जो आपने देखी है पट्ट में, स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते, यही नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं होता है। याद रखिए, यह जो नियम है ये निजी स्कूलों पर लागू नहीं होते। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल ना देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को कुछ विशेष छूट देता है। सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्म निरपेक्ष राज्य के तीन उद्देश्य को दोबारा पढ़ लिए। आप इस बारे में दो वाक्य लिख सकते हैं, ठीक है? कुछ दोस्तों ने हाल ही स्कूल खरीदे, सॉरी स्कूटर खरीदे, स्कूल कहाँ खरीदे, वे साथ साथ स्कूटर से शहर पर जाने को तैयार हैं। अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, हर जगह पहनना पड़ता है, तो यह कानून है कि फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, जुर्माना भरने का बड़ा शौक है, फिक्र मत करो मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अरे परमजीत तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा, देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इस चित्रकथा में आपने क्या सीखा है? पट्टे में लिख सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दी है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्म निरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इस अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं, यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों यानी कि कुछ निचली जातियों को दबाते हैं, धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है जो निचली जातियों के लोगों को की मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इस तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को अनेक स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है, गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्म निरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्म निरपेक्षता से किस तरह अलग है, इसे भी देख लीजिए। ऊपर दिए गए तीन उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में कुछ में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों के
का पक्ष लेते हैं या फिर धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है, ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्म निरपेक्षता और अमेरिकी धर्म निरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्म निरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट लगाव के विपरीत भारतीय धर्म निरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान में छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया गया। भारतीय धर्म निरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सिद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदेशों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श और कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला किया जा सकता है कि हमारे राज्य धर्म निरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। भारतीय राज्य धर्म निरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार धर्म निरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के इति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ पॉइंट दिए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्रछाया शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले ही वहां यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है तो उसे इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद वहां ईश्वर की छत्रछाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। उपयुक्त चित्र में अमेरिकी के सरकारी स्कूल बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए दिखाई गए। देख लीजिए, फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन आप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनिशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई। उस समय इन आप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन आप्रवासियों की बेटियां स्कूलों में अक्सर सिर पर रूमाल बांधकर जाती हैं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रूमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया है। ये आपके अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लगा सकते हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिए, टेलीग्राम पर मैंने डाल दिए, ठीक है। अच्छे से पढ़िए एक दो बार, और आपको निकल जाना है, आपको बस पढ़ना है और कुछ शब्द दिए गए हैं उनकी हमें परिभाषा जाननी है और निकल जाने। यहाँ कुछ आपके शब्द संकलन दिए गए, उन्हें देख लेते हैं। जोर जबरदस्ती, इसका मतलब है कि किसी को कोई चीज करने के लिए मजबूर करना। इस अध्याय के संदर्भ में यह शब्द राज्य जैसी किसी कानून सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल से है। व्याख्या की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीजों को समझने की छूट होती है। इस अध्याय में व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब
कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद तय कर सकता है। हस्तक्षेप विस्तृत अध्याय में इसका मतलब है कि संविधान के सिद्धांत के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से प्रयास होने वाला प्रयास। तो ये था आपका दूसरा अध्याय, धर्म निरपेक्षता की समझ। अब इकाई दो आगे हम बात करेंगे इसमें अध्याय 3 के बारे में, हमें संसद क्यों चाहिए आखिर। ठीक है।